आकाश और तेजस शराब पीने के लिए बोलेंगे तो क्या आप उन्हें पीने देगी? हाँ मोटा भाभी, उनके लिए जो अच्छा है वही आप कर रही है। अब जरूरी तो नहीं उन्हें जो अच्छा लगे वो हम करते रहे। चलिए मोटा भाभी, खाना खा लीजिए। हाँ चलो। ये टिफिन से यहाँ किसका रह गया? तेरे जेठ को तो मैंने टिफिन दे दिया था। मैंने भी मुकेश को टिफिन दे दिया था और पारुल भाभी ने सनत भाई को टिफिन दे दिया था। शायद आयुष और तेजस भूल गए हैं। अरे हाँ, जाते समय वो दोनों बहुत गुस्से में थे और मैं भी गुस्से में थी, इसीलिए मैं भी भूल गई। लेकिन चिनी और मीनाक्षी को तो याद रखना चाहिए ना। लेकिन वो दोनों अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझती है। मोटा भाभी आप गुस्सा मत कीजिए, चलो हम दे आते हैं। आपको चिंता है ना कि आयुष और तेजस का मन ऑफिस में नहीं लग रहा होगा, तो चलो टिफिन के बहाने उन्हें देख कर आते हैं। ठीक है, फिर आकर ही खाना खाएंगे। ठीक। मैं और मोटा भाई मोटा भाभी को देखने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने हाथों से दाल ढोकरी हम लोगों को खिलाई। फिर बाहर आकर मैंने मोटा भाई को पूछा, मोटा भाई कैसी लगी? तो मोटा भाई ने कहा टेस्टी है। अरे मोटा भाई उनका चेहरा देखने की जगह दाल ढोकली में अटक गए थे। हेलो कौन यहां? क्यों? भेजो, अंदर भेजो। क्या? कौन है मोटा भाई? अरे मंजुला और अल्पा आई है। सच अल्पा, मेरे दिल को तो ठंडक पड़ गई इन लोगों की ऑफिस जाकर। अल्पा तुझे पता है ध्यान अपने काम की बजाय किसी दूसरों पर रखने का अंजाम क्या होता है? चाय की तरह खून उबलता है। और हाथ क्या लगता है? चाय नहीं, चाय का काढ़ा। कड़वा हट के सिवा और कुछ नहीं मिलता ऐसे लोगों को। तुमने धनसुख झवेरी और संज की दुकान से अपना हार लाने को कहा था ना? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो रोज ही आपका इंतजार करती हूँ ना। रोज का पता नहीं, पर आज तो तुम अपने हार का इंतजार ही कर रही थी। तुम्हारे चेहरे से दिखता है। तुम्हें पता है तुम्हारा हार लाने के लिए मुझे कितनी दूर तक जाना पड़ा, और वो भी अपना काम छोड़कर। पर हार तो ले आए ना? बैग में पड़ा है। और सुनो, दूसरी बार मुझे ऐसे काम मत सौंपा करना। तुम कोई अनपढ़ गवार नहीं हो कि खुद ऐसे काम ना कर सको। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, पर जब आप कोई काम करते हैं मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोपाल पापड़ की फाइल्स। ये फाइल्स इनके बैग में कैसे? मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे मैं यहाँ हूँ चिनी। बोल चिनी, क्या काम है? मम्मी जी आपको ये फाइल्स दिखानी थी। मुझे क्यों दिखाना चाहती है? ये तो मोहन की फाइल है ना, उसके काम की होगी, जला दे इन्हें। मम्मी जी ये फाइल्स आपके काम की हैं। अब हमारे घर में जो चल रहा है वो मैं जानती हूँ। आयुष और तेजस मोहन चाचू के साथ काम करना चाहते थे, पर आपने उन्हें मना कर दिया और उन्हें इस बात का बहुत दुख है।
इसलिए फाइल्स मैं आपके पास लेकर आई। मैंने सोचा कि इन फाइल्स के बारे में सबसे पहले मुझे आप लोगों को खबर करनी चाहिए। ये मुझे आयुष के बैग से मिली है।